नमस्कार, मैं आंचल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। मंगलवार 2 जून को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं, इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का काफ़ी अधिक महत्व है और ये साल में सिर्फ एक बार ही आती है। इस एकादशी का व्रत करने से हमें पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेल बटन को भी ज़रूर दबा लें। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से किसी भी व्यक्ति की किस्मत चमक सकती है। स्कंद पुराण के एकादशी महात्मय अध्याय में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सभी एकादशियों का महत्व बताया है। महाभारत के अनुसार इस एकादशी पर व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्य फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति पूरे साल की एकादशी पर व्रत और उपाय नहीं करता है तो उसे निर्जला का एकादशी पर विशेष उपाय करने चाहिए। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ, ये करने से आपको 100 गऊ दान और 24 एकादशियों का फल ज़रूर मिलेगा। देखिए, सुबह जल्दी उठें और उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियां देखें और मंत्र बोलें, करागरे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभात कर दर्शनम। नीचे कमेंट में मैं आपको ये मंत्र लिखा हुआ दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें और स्नान करें। ऐसा करने से घर पर ही तीर्थ स्नान का फल मिलता है। स्नान के बाद तांबे के लोटे में सूर्य को जल चढ़ाएं और मंत्र बोलें, ओम सूर्याय नमः। अब देखिए, मैं आपको दान का बहुत महत्व है। इस दिन जो उपाय है वो भी दान से जुड़ा हुआ है। इस दिन आप किसी गरीब या फिर मंदिर में तिल, वस्त्र, थोड़े से पैसे, फल और मिठाई का दान करें और अगर संभव हो तो आप इस दिन पीली मिठाई का भोग लगाएं और खीर बनाएं घर पर और उसमें तुलसी डाल के भगवान विष्णु को भोग लगाएं। इस दिन निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए, निर्जल यानी बिना पानी का व्रत। अगर निर्जल व्रत नहीं कर सकते हैं तो फलाहार और दूध का सेवन करते हुए व्रत कर सकते हैं। इस तिथि पर स्नान के बाद घर के मंदिर में पूजा करें और पितरों के लिए तर्पण करें। किसी मंदिर जाकर भगवान के सामने धूप दीप जलाएं। अगर नहीं जा सकते तो अपने घर पर ही आप धूप दीप चलाएं और भगवान को भोग लगाएं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की भी विशेष पूजा करें, उनके सामने घी का दीपक जलाएं। अब मैं आपको मेन उपाय बताने जा रही हूं जो कि आपको बहुत ही पुण्य फल मिलता है अगर इस एकादशी पर किया जाए। देखिए, आप एक मटका भरा हुआ पानी का या फिर एक लोटा पानी का भरा हुआ किसी को दान करें। किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं आप या किसी बूढ़े व्यक्ति को दे सकते हैं। इसका पुण्य बहुत ही ज़्यादा मिलता है। इस उपाय से 100 गऊ दान और 24 एकादशियों का फल आपको मिलता है अगर इस दिन जल का दान किया जाए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। आर्थिक तंगी है अगर वो दूर होती है, आप उनकी किसी भी कथा का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर सकते हैं। जो लोग व्रत नहीं कर सकते वो जाप करें, पाठ करें, उनको व्रत का फल मिलेगा। पानी के भरे कलश के साथ चीनी या शक्कर का दान ज़रूर करें। इस दिन दान करना बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही पुण्य फल मिलता है दान करने से। और अगर आप विष्णु भगवान को भोग लगाएं तो उसमें तुलसी डालकर ज़रूर लगाएं और तुलसी एक दिन पहले जैसे आज ही तोड़ लें संध्या से पहले, क्योंकि कल माँ तुलसी का भी व्रत होता है, इसलिए कल तुलसी को हाथ ना लगाएं। देखिए, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर आपका कुंडली रिलेटेड कोई भी सवाल है, क्योंकि हमारी हर प्रॉब्लम कुंडली से जुड़ी है, अगर आप पर कर्जा है, संतान नहीं हो रही या जॉब नहीं मिल रही मनचाही, शादी में देरी हो रही है, तो आपके कुंडली के ग्रह नीच हैं। अगर कुंडली दिखाकर उपाय किए जाए तो सब सही हो सकता है। अगर कुंडली रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कुंडली देखने के हमारे चार्जेस हैं। अगर आपके पास अपना जन्म समय, जन्म तारीख नहीं है तब भी आपकी कुंडली तैयार हो सकती है। हमारी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल बटन भी ज़रूर दबाएं। मैं फिर लेकर आऊँगी एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, गुड बाय।